नमस्कार दोस्तों, बीएचयू पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एमए फिलॉसफी 2023 के लिए सिलेबस जानेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या क्या इसमें। देखिए सीयूटी 2023 के लिए जो ऐसा बनाया गया है सिलेबस, उसमें दो पार्ट है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, जनरल टेस्ट है, ठीक है, और पार्ट बी में जो है कि आपका स्पेशल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट ए भी हम लेके आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग, लेकिन पार्ट बी जो है उसमें आप एमए फिलॉसफी का कोर्स देखेंगे, एमए फिलॉसफी का सिलेबस देखेंगे पूरा आज। तो सबसे पहले देख लेते दोस्तों कि सिलेबस है क्या क्या। देखिए इसमें सेक्शन ए जो है वो मेटाफिजिक्स है, सेक्शन बी जो है वो है एपिस्टेमोलॉजी, सेक्शन थ्री जो है वो है आपका एथिक्स नीति शास्त्र, सेक्शन फोर जो है वो आपका है सिंबॉलिक लॉजिक, सेक्शन फाइव जो है वो आपका है सोशियल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये है आपका टोटल पूरा सिलेबस। आइए बारी बारी जानते हैं कि इस सिलेबस के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे और ये सिलेबस पूरा है क्या आखिर। तो सबसे पहले इसमें है आपका मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के अंतर्गत देखिए सीयूईटी 2023 में सीयूईटी जब एग्जाम करा रहा है, तो पहले यूनिवर्सिटीज एग्जाम कराती थी, लेकिन जब सीयूईटी करा रहा है तो सीयूईटी क्या है, सबका सभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनका कॉमन सिलेबस लेकर आया है, ठीक है। तो कॉमन सिलेबस लेकर आया है, तो कॉमन सिलेबस उसने तो किस प्रकार बनाया हुआ है, इसमें क्या है, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। देखिए इसमें जो है कि कुछ इंडियन फिलोसफी के भी कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ वेस्टर्न के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, भारतीय दर्शन और पश्चात दर्शन दोनों के कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनको एक कॉमनली इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने कॉमनली बना दिया, एक मेटाफिजिक्स बना दिया, एक एपिस्टेमोलॉजी बना दिया, एक एथिक्स बना दिया, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी ऐसे करके बना दिया, थियोलॉजी बना दिया, ऐसे करके इन्होंने पूरा कोर्स बना दिया है। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहिए और देखते रहिए। तीसरा जो इसमें है वो है सेल्फ एंड नो सेल्फ, आत्मन और अनात्मन, भारतीय दर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन फिलोसफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा इसमें है वो है कॉन्शियसनेस चेतना, पांचवा क्या है, पांचवा है पर्सनल आइडेंटिटी व्यक्तिगत पहचान, छठा जो है वो है सब्सटेंस एंड क्वालिटीज, ठीक है, सातवां है बीइंग एंड बिकमिंग, आठवां है एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, जो कि ये भी वेस्टर्न का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस जितने भी टॉपिक्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, इनका सबका अपना अपना वेटेज है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। नवा है अपीयरेंस एंड रियलिटी, ये आपको वेस्टर्न में भी देखने को मिलेगा और इंडियन फिलोसफी में भी देखने को मिलेगा। दसवां है वो है माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम, मन और शरीर का समस्या, ठीक है, ये पूरे वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत ही परेशान करेगा आपको, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ग्यारहवा है यूनिवर्सल्स, बारहवा है रियलिज्म आइडियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको सबसे शुरू में ही समझना होगा और हम इसके लिए बेसिक्स का वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको समझने में बहुत आसान होगा। तीसरा है इसमें लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो है एसेंस एंड एग्जिस्टेंस, सारे और अस्तित्व, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको वेस्टर्न और इंडियन दोनों के दर्शन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो सेक्शन है वो है एपिस्टेमोलॉजी का सेक्शन, यानी ज्ञान मीमांसा का सेक्शन, कि सोर्सेज ऑफ प्रमाण क्या क्या है, क्या क्या उसके लिमिट्स हैं, ठीक है, कैसे हम ज्ञान को जानते हैं, कौन सा ट्रू नॉलेज है, कौन सा रॉन्ग नॉलेज है, वैलिड नॉलेज क्या है, इनवैलिड नॉलेज क्या है, ये सारी चीजें हम एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं थियोरीज ऑफ ट्रूथ क्या है, सत्य का सिद्धांत क्या है, थियोरीज ऑफ एरर क्या क्या है, ठीक है, ख्यातिवाद क्या है, ठीक है ना। ये जो दोनों टॉपिक है ये आपको दोनों में भी देखने को मिलेगा, इंडियन में भी देखने को मिलेगा और वेस्टर्न में भी देखने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछ लेता है। ख्यातिवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फिलोसफी में। तीसरा है गेटियर प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरह से देख ले तो, ये आपको शायद ये आपको कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न में देखने को मिलेगा गेटियर प्रॉब्लम। चौथा है वो है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की परिभाषा क्या क्या है, ठीक है,
अलग अलग फिलोसफर्स आते हैं अपने तरह से, अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उन सबको जानेंगे क्या क्या नॉलेज है, क्या कौन सा दार्शनिक क्या कह रहा है ज्ञान के बारे में। नॉलेज बाई इंटेंस एंड नॉलेज बाई डिस्क्रिप्शन, ठीक है। साक्षात परिचयात्मक ज्ञान और वर्णनात्मक ज्ञान, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कंटेम्पररी का कॉन्सेप्ट है ये सारे चीजें। इसमें सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या क्या है, प्रमाण जिनकी हम बात करते हैं, इंडियन फिलोसफी में इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फिलोसफी में ये, और वेस्टर्न में जो कि वेस्टर्न में भी इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, उन सबको समझेंगे हम। सातवां है स्केप्टिसिज्म, ये आपको इंडियन में भी देखने को मिलेगा, वेस्टर्न में भी देखने को मिलेगा। आठवां है जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज फाउंडेशन इज अवे एंटी फाउंडेशन, तो ये सारी चीजें जो है, तीनों जो है लास्ट के तीनों जो है ये है यहाँ पे कंटेम्प्ररी वेस्टर्न, कंटेम्प्ररी वेस्टर्न फिलोसफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तीनों का तीनों, अब कंटेम्प्ररी वेस्टर्न में सबको देखने को मिलेगा। तीसरा जो है वो है एथिक्स नीति शास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी टोटल जो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से लगभग लगभग 5-6 क्वेश्चन तो इससे दागे दिए जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वेस्टर्न एथिक्स ही पढ़ना है और इंडियन एथिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, मेटा एथिक्स ही पढ़ना है, अप्लाइड एथिक्स ही पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसको आप देख सकते हो जो सेक्शन 4 है वो है सिंबॉलिक लॉजिक का, ये लॉजिक जो है बेसिकली देखा जाए तो वेस्टर्न लॉजिक है, ठीक है। इसमें आप इंडक्टिव से लेकर डिडक्टिव लॉजिक दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, फैलेसीज भी पढ़ेंगे कि क्या क्या गलतियां हो रही है लॉजिक बनाते समय, ठीक है, या किसी क्या किसी भी नॉलेज में क्या क्या फैलेसीज हो रही है, किसी प्रमाण में क्या क्या फैलेसीज हो रही है, तो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। किसी भी आर्ग्यूमेंट किसी भी प्रोपोजिशन में क्या क्या फैलेसीज हो रही है, कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़ना है आपको, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये सारी चीजें पढ़ना है। तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पांचवा सेक्शन है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की जो फिलोसफी समाज में जो सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में सोशियोलॉजी भी है पॉलिटिक्स भी है दोनों सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इनमें जो फिलोसफी अप्लाइड हो रही है उन सारी चीजों को पढ़ना है, जैसे कि थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ना है, न्याय का क्या सिद्धांत है, क्या सबको न्याय मिल रहा है, ठीक है, उसके पीछे की फिलोसफी क्या है, उसके पीछे की एथिक्स क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। लिबर्टी इक्वालिटी की बात करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है, हर देश में कोई ना कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उन सारी चीजों को पढ़ना है। इसमें जो तीसरा है वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो कि वर्ल्ड के लगभग हाफ ऑफ द कंट्रीज में, हाफ से ज्यादा कंट्रीज में आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये ग्लोबल टॉपिक्स हैं, ठीक है, वैश्विक स्तर के विषय हैं, इन सबको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेमिनिज्म देख सकते हो कि करंट में कितना इसका प्रचलन है, तो इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नारीवाद। पांचवा है ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो न्याय मिलते हैं क्या वो सबको कैसे मिलते हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, उनको पढ़ने के हम, ठीक है। इसमें गांधी अम्बेडकर टैगोर और अमर्त्यसेन इन तीनों को इंडियन फिलोसफी के परस्पेक्टिव में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कौन पिछड़ गया ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये है टोटल आपका सिलेबस, ठीक है, इसको डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, उस पर जाइए, कॉन्टेक्ट करिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। सो टेक केयर, बाय बाय।